तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले नीट के बारे में कि नीट क्या है, कौन सा एग्ज़ाम है, ठीक है, उसकी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फुल डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो नीट के, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। और ये एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, जो इंडिया में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। और अगर और बात करें इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट करता है, तो पहले तो इसको कंडक्ट करते थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बट यहाँ पर 2018 से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को रिप्लेस कर दिया किससे, NTA से, ठीक है, नेशनल टेस्ट एजेंसी से, ठीक है। तो ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है, अगर आपको परस्यू करना है मेडिकल, जैसे अगर आपको मेडिकल एंट्रेंस मतलब मेडिकल में जाना है, ठीक है, मेडिकल लाइन, जैसे MBBS, BDS और आयुष कोर्स, ठीक है। तो ये जो है इस कोर्स को करके आप जो है मतलब कि इस टेस्ट को देने के बाद आप जो है कर सकते हो परस्यू MBBS में, BDS और आयुष कोर्स, मतलब जैसे BAMS, BHMS, ठीक है। तो ये इन सब कोर्स मेडिकल लाइन में आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाई, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, ठीक है, मेडिकल एंट्रेंस मेडिकल का कोई भी कोर्स करना है, तो इस एग्ज़ाम को आपको देना होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो इंडिया में, ठीक है, तो इंडिया में जो नीट कोर्स है ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डॉक्टर लाइन में जाना है तो इसको देना ही पड़ेगा, ठीक है, इस नीट का एग्ज़ाम। तो यहाँ पर अगर एज लिमिट की बात करें, तो यहाँ पर जो जनरल बिलोंग करते हैं, ठीक है, जनरल कास्ट से, तो उनका जो एज लिमिट होना चाहिए एग्ज़ाम को देने के लिए वो 17 से 25 होना चाहिए, ठीक है। और जो अदर SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं वो 30 ईयर्स तक इसको दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से, तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मतलब OBC या फिर अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ने कर दिया है, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें तो इसके सीट्स की, तो यहाँ पर जो कोटा से कोटा पे जो है इसका रिजर्वेशन 50% होता है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। और JK और JNK के जो कैंडिडेट डेट होते हैं उसके लिए अलाउड नहीं होते, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर आपको 12th होना चाहिए, ठीक है, आपका 12 10+2 होना चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप लोग को BSc के मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप नीट का पेपर देते हो तो यहाँ पर आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे फिजिक्स से आएंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी में बोटेनी और जियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट नीट एज मैनी टाइम एज दे विश अनटिल दे अटेंड द मैक्सिमम एज लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पर जितने भी एज लिमिट है, जैसे कि अभी आप जनरल वालों के लिए कितना है 25, ठीक है, तो 25 ईयर जो है आपका लास्ट रहेगा। अगर आप 26 के साल के हो जाते तो इसको नहीं दे पाओगे। अगर आप 25 से कम उम्र के हो तो कितनी बार भी दे सकते हो, जब तक आप जो है 26 साल के नहीं हो जाते, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो जो मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स होता है, ठीक है, जो मिनिमम मार्क्स होता है पासिंग का, वो होता है 50% जनरल वालों के लिए, और जो OBC या फिर बैकवर्ड क्लास है उनके लिए 40%। और यहाँ पर अगर आपको नीट का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानना है, तो यहाँ पर आपको जो ये लिंक दिख रहा है, ठीक है, मतलब जो वेबसाइट दिख रहा है उस पर आप जो है जाकर विजिट करके पूरी डिटेल यहाँ पर आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या फिर बैंक अकाउंट नंबर आप लोग दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो फीस की बात करते हैं, यहाँ पर जनरल वालों के लिए 1400 जो है फीस है, ठीक है, इसका, और प्लस GST चार्ज, और अदर क्लास अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर 750 है। और यहाँ पर सीट्स की बात करें, तो शेड्यूल कास्ट के लिए 50% रिजर्व है, OBC के लिए 27% और KST के लिए 7.5%, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 180 मार्क्स का होता है, और ये 45 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में से, जैसे फिजिक्स में से 45, केमिस्ट्री में से, जियोलॉजी और बोटेनी में से, ठीक है, टोटल पूरा 180 मार्क्स का होता है, और इतने क्वेश्चंस आते हैं हर एक उसमें से। और यहाँ पर जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 720
मतलब टोटल मार्क्स 720 होता है, ठीक है, आप सभी पूरे इन सबका टोटल करोगे 180 180, तो ये पूरा टोटल 720 होता है, उसका ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है, ठीक है। अगर आप एक करेक्ट आंसर देते हो, ठीक है, तो उसका कितना मार्क्स होता है, +4 पॉइंट, ठीक है। अगर आप एक गलत देते हो तो -1 हो जाएंगे उसमें से। तो यहाँ पर जितने इतने सारे लैंग्वेजेस में होते हैं, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होते हैं इतने सारे लैंग्वेजेस में होते हैं। पहला तो है हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा गुजरात उर्दू, चौथा तमिल, फिर तेलुगू, ओड़िया, कन्नाड़ा, मराठी, गुजराती, आसामी और बंगाली, ठीक है। पर पूरी डिटेल दी गई है, अगर आप जानना चाहते हो और इसके बारे में डिटेल में, तो यहाँ पर आप लोग ये जो वेबसाइट दिया है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर आप लोग जो वेबसाइट देख सकते हो www.ntanet.nic.in, तो इस पर आप विजिट करके पूरी डिटेल जो है देख सकते हो, ठीक। तो इस वीडियो को अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।